हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी बाबा। इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बहुत फास्टली। अभी तक तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं उससे हम लोग को थोड़ा टाइम लगता है, बट जो तरीका हम आज सीखेंगे उससे हम किसी भी दो नंबर्स को विद इन सेकेंड्स मल्टीप्लाई कर पाएंगे और इससे हमारी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो जो तरीका मैं बताऊँगा उसको आप समझिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो 3-4 दिन में आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाएंगे। तो वैदिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये नाम देख के डरना नहीं है। वैदिक मेथड बहुत सिंपल है, देखते हैं ये क्या होता है। ये जैसे अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे कि यहाँ पे हो जाएगा 2017। आप लोग इसको डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे वो देखते हैं। इसमें क्या करना है कि हमको देखना है कि जो नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें। यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमको हमेशा 1 से करना है, मतलब कि पहले 1 1 डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 4 × 3 मल्टीप्लाई करेंगे, होगा 12, 1 कैरी हो गया। अब सेकेंड स्टेप में 4 को 2 से करेंगे और 3 को 7 से करेंगे। 4 2 8 7 3 21, 21 + 8 29, और पहले का कैरी 1 था, मतलब 30 का ये 0 हो गया और 3 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 2 14 + 3 17, ऐसे हो, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले 5 5 को 3 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 का 5 बचा, 1 कैरी हुआ। उसके बाद 5 को 8 से किया और 3 को 6 से किया, 40, 58 + 1 कैरी हुआ था, 9 बचा 5। अब 6 को 8 से कर दो, 53, ये हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 9 9, ठीक है। अभी कैसे इसको करना है देखो, यहाँ पे सबसे पहले 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6 हुआ, 3 बच गया। अब 2 डिजिट का सम करना है, मतलब कि 9 को 2 से करो फिर 4 को 1 से करो, 22 हुआ, और 3 यहाँ का 25। अब 2 बच गया, कैरी 2 हुआ, फिर अभी 5 बचा हुआ है यहाँ पे, तो 9 को 5 से करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 + 2 47, और पहले का 2 था 49 हो गया, 4 बच गया। अब बस लास्ट को 1 को 5 से कर दो, 5 5 हुआ, 4 कैरी था पहले का, 9 हो गया, डबल 5 6, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है, इतना इंटू इतना इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 9 85 8 6 24 36, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 0 7 5 8 4। अब ये हुआ कैसे देखो, सबसे पहले 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 4 आ गया, बचा 5, कैरी 5 हुआ। अब अगले स्टेप में 9 को 5 से करना है + 6 को 8 से करना है, 45 + 48 93, पहले 5 था, 98 का 8 आ गया, 9 कैरी हुआ। अब देखो 9 को 4 से करो और 5 को 8 से करो, 40 36 76 + 9, 85 का 5 आ गया, हाथ में 8 बचेगा। अब फिर देखो 9 को 3 से करो, 4 को 8 से करो, 32 27 59, पहले का 8 था, 67 7 आ गया, 6 बचा। अब उसके बाद 8 को 3 से करो, 24 + 6 30, कैसे कर सकते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग को सबसे फर्स्ट स्टेप में इसके लास्ट डिजिट को इसके
लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकेंड स्टेप में इसको इसे करेंगे, इसको इसे करेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, इसको इससे, फिर इसको इससे, हमेशा दो दो का सम लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नंबर है 89, ये दो डिजिट का है, तो इसलिए हम लोग दो दो डिजिट को मल्टीप्लाई करके सम करते रहेंगे, और फिर लास्ट में 8 × 3 कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 5 61 6 14 24 38 53 59 के 9 हाथ में 5 बचेगा, 12 24 29 के 9 में 2 बचेगा, 6 8 8 9 1 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे करेंगे हम लोग, देखो इसमें क्या करना है कि यहाँ पे डिजिट 3 है, तो पहले एक डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दो डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थ्री डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहाँ पे पहले 7 को 5 से किया हमने, तो आया 35, 3 कैरी हुआ। अब अगले स्टेप में 7 को 4 से करना है, 5 को 6 से करना है। अब दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 28 + 30 58, और 3 पहले का था, 61 का 1 आ गया, 6 कैरी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 को 2 से करेंगे, 4 को 6 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, 14 + 24 38 + 15 53 हो गया, और पहले का 6 था, 59 हो गया, कैरी 5 हुआ। अब सारे तीन तीन डिजिट हो चुके हैं, अब फिर 2 को, मतलब कि अब 2 को 6 से करेंगे, और इससे 4 को 3 से करेंगे, 12 + 12 = 24, और 5 पहले का है 29, 2 बचा। अब 3 को 2 से करेंगे, 6 + 2 = 8, कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मेनली आपको प्रैक्टिस ही करना है, कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें फ्लुएंट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर, अब देखो इसमें इसमें पहले 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 का 4 आ गया, 5 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 को 5 से करेंगे और 6 को 8 से करेंगे, 45 + 48 = 93, और पहले का 5 था, 98 का 8 आ गया, 9 9 9 कैरी हो गया। अब 3 डिजिट्स, 9 को 4 से करेंगे, 5 को 8 से करेंगे, और 6 को 7 से करेंगे, 36 + 40 76 + 42 118 118, पहले का 9 था, 127 का 7 आ गया, 12 बच गया। 9 का 4 से हो चुका है, 9 का 3 से करेंगे, 4 का 8 से और 6 का 7 से, 27 + 32 59 + 35 94, और पहले का 12 था, मतलब कि 106 का 6 आ गया, कैरी 10 हो गया। 9 का 2 से, 3 का 8 से, और 4 का 7 से, 18 24 42 + 28 70, और पहले का 10 था, ये हो गया 80 का 0, 8 बच गया। अब देखो अब 9 को 1 से करेंगे, 2 को 8 से करेंगे, और 3 को 7 से करेंगे, 9 + 16 = 25 21 46 + 8 = 54 का 4 आ जाएगा, 5 बचेगा। अब देखो अब ना, और सारा 3 वाला खत्म हो गया, अब 2 से 2 हो जाएगा, अब इस वापस 8 को 1 से, 2 को 7 से, 8 14 22 + 5 27 का 7 हो जाएगा, 2 बचेगा, और वापस 1, 7 × 1 7 + 2 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9 × 4 = 6 784। ये क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से ट्राई करिए, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसमें 4 डिजिट्स है, इसका मतलब कि हम लोग को चार चार नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका सम करना पड़ेगा,
और जो भी हम लोग सम करते हैं उसको माइंड में करना है, उसको अगर हम लोग लिख के करेंगे ऐसे एरो बना के तो वो टाइम लग जाएगा, उसको माइंड में ही करना है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ऐसे करेंगे 32 3 24 48 51 5 28 18 46 16 62 67 6 20 41 53 67 6 8 15 23 37 43 49 4 12 6 18 10 28 35 44 के 93 9 4 13 5 18 3 21 के में 2 6 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4। ये आंसर हो गया हमारा 4019977 12। अब देखो इसमें ये जो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और सम भी कर रहा हूँ, ये सारा चीज़ माइंड में करना है तभी ये चीज़ फास्ट हो पाएगा। देखो अब कैसे करना है, इसमें इसको पहले 4 को 8 से किया मैंने मल्टीप्लाई, 32 का 2 आया 3 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 डिजिट का सम लेना है, 4 × 6 + 8 × 3 24, 24 48 + 3 पहले का था 51 का 1 आया 5 बचा। और देखो 4 को 7 से करो, 6 को 3 से करो, 8 को 2 से करो, सॉरी 2 से, 28 18 46 प्लस 16 62 पहले का 5 था 67, 7 आ गया 6 बचेगा। और देखो अब 4 डिजिट का सम, 4 का 5 से, 7 का 3 से, 6 का 2 से, 8 का 1 से, मतलब कि 20 21 41 12 53 8 61 का पहले का 6 था, 6 6 7 का 7 आ जाएगा 6 बचेगा। अब 4 का 2 से, 5 का 3 से, 7 का 2 से, 6 का 1 से, 8 15 23 14 37 6 43 49 का 9 आएगा, अब 4 बचेगा, इसका ये हो जाएगा 3 का 2 से, 5 का 2 से, अब 7 का 1 से, तो 12 6 18 10 28 7 35 पहले का 4 था 39 का 9 3 बचेगा। अब 4 सारा हो गया, अब 3 डिजिट, 3 का 3 2 का से 2 5 का 1 9 4 13 5 18 3 पहले का था 21 1 2 बचा। अब 2 डिजिट का सम, 3 का 2 से, 2 का 1 से, 6 2 8 2 10 का 0 1, अब 1 कैरी हो गया, अब 3 × 1 3 + 1 4। देखो सेम है ना, तो इसमें क्या करना है कि आप जो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं उसको आप ऐड करते जाए, माइंड में ही उसको ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, अगर 4 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 से किया, 6 को 2 से किया, और 8 को 1 से किया, तो मैं सबको मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ ऐड भी कर रहा हूँ। तो 4 × 5 20 प्लस 7 × 3 21 तो 20 + 21 41 हो गया, फिर 6 × 2 12 12 ऐड कर रहा हूँ उसमें 53 हो गया, फिर 8 × 1 8 उसमें ऐड कर रहा हूँ 61 हो गया। तो मल्टीप्लाई भी करते जाना है और ऐड भी करते जाना है, तो ये सारा चीज़ आपको माइंड में करना है। ये नहीं कि अब इसको लिखे जा रहा है यहाँ पे 1 हुआ फिर कैरी 6 हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे आप इसको माइंड में ही मल्टीप्लाई कीजिए और माइंड में ही इसको ऐड करते जाइए। सीधा खाली आपको यहाँ पे बस डिजिट लिखना है 2 1 7 ऐसा। अब देखो इसका फायदा ये है कि किसी किसी क्वेश्चन में ना ऑप्शन जो होते हैं उसमें हम बस लास्ट 2 डिजिट देख के हम आंसर टिक मार देंगे। अब कैसे करना है कि जैसे मान लो कि हम मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब मेरे पास लास्ट में ये दो नंबर्स आ गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इसमें बस लास्ट 2 डिजिट निकालूंगा। कैसे, 32 का 8 × 4 32 का 2 लिखा 3 हुआ, अब 4 को 6 से किया, 8 को 3 से किया, 24 + 24 48 3 पहले का था 51, बस इतना लिखना है 12, बस मैं देखूंगा कि ऑप्शन में 12 किस में है,
जो लास्ट 2 डिजिट अगर 12 होगा तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे 12 होता, अगर ये हमारा आंसर हो जाता, मुझे पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लास्ट 2 डिजिट काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे देखो अब इस क्वेश्चन में यहाँ लास्ट 2 डिजिट कितना होगा, 6, 54, 110, 16, 63 हो गया, कितना फास्ट हो गया। तो आप ये जो तरीका है इससे हम लास्ट 2 डिजिट बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड सब ट्रायंगल पार्क कर 60, 112, 164। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट द रेट ऑफ 8.5 पर स्क्वायर मीटर। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा एरिया इंटू 8.5, ये होगा। अब इसमें हम लोग कैसे ऑप्शन टिक करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कि इसमें हम एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से। तो हीरोज फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमको देखना है कि इन सब में यहाँ पे देखो 60, 112 एवं 64, इन सब में चार कॉमन ले लेते हैं हम लोग अगर, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 28 प्लस 41/2, ये हो गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो आप ये देखो कि 5 प्लस 8 प्लस 1, 8 5 3 14, 4 बचेगा, तो ये 2 से कट जाएगा वो। तो हमारे पास यहाँ पे 4 का एक टर्म जरूर रहेगा, मतलब कि जो एस में हमारा एक 4 की होगा, मतलब ये 4 टाइम्स कुछ एक कॉन्स्टेंट जो नंबर मान सकते हैं वो होगा। तो जब हम एरिया निकालेंगे इसके, हम लोग रूट एस इंटू एस में से करेंगे, तो रूट एस में भी एक 4 जरूर होगा यहाँ पे, तो 4 होगा इसका मतलब, और आगे यहाँ पे 8.5 है ही, तो यहाँ 4 है इसका मतलब कि ये बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, मतलब कि हमारे पास एक 2 है, तो 2 इंटू 8.5 हो जाएगा हमारा 17, समझ रहे हैं। तो मतलब कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन चेक करो, 17, 55, ये हो सकता है 11, 116, 144 नहीं होगा, 13, 131, 12, 126 नहीं होगा, 17 ये हो सकता है, ठीक है। तो हमने ना बस 17 का डिविजिबिलिटी चेक करके हमने यहाँ पे दो ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए। हमको चेक करना है ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा। तो इसके लिए हम देखो, अगर इसको तो हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर तो अंडर रूट एस कितना हो गया, 28, 15, 43 प्लस 41, 84/2, 42, 42 इंटू 4 एस हो गया, मतलब 42 इंटू 4 हो गया 168, एस हो गया 168, एस इंटू एस माइनस है, मतलब 168 में से 60 गया 108, 168 में से 112 गया 56, और 168 में से 164 गया 4 बचेगा, ये हो गया हमारा पूरा एरिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 8.5 से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये 36 इंटू 3 है, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब यहाँ पे एक 3 है, और यहाँ पे देखो ये इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 56, तो यहाँ पे भी एक 3 है, 2 3 है, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा, यहाँ बचा 56, यहाँ बचा 56, तो 1 56 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 का एक 2 बाहर आ जाएगा इंटू 8.5, मतलब कि हमारा ये आ गया फाइनल कैलकुलेशन। तो ये दोनों 8.5 में 2 ये हो जाएगा 17। हम तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ऑप्शन में लास्ट डिजिट डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो इसको हम लोग यूनिट डिजिट से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे सॉरी, तो 6 6 इंटू 3 18, 8 6 48, 8 8 7 56, 6, मतलब हमारा लास्ट डेट 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला 6, आंसर डी हो जाएगा, ये हुआ तरीका नंबर 1। मतलब कि यूनिट डेट से चेक करके या 17 का मल्टीपल देख के हम लोग इसको टिक मार सकते हैं, तो यहाँ पे तो दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और तरीका है, आप उसे देख सकते हैं, जैसे जैसे हमारा आया था एस इक्वल टू 168 आया था, तो एरिया हुआ था 168
इंटू 108 इंटू 56 इंटू 4, इसको उन्होंने मल्टीप्लाई किया था 8.5 से। ये डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 36 का, यहाँ पे 9 है, एक 9 × 12 है। अब देखो यहाँ पे एक 3 आ रहा है, 3 × 5 6 है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक 9 है और यहाँ एक 3 है और 12 में भी एक 3 है, मतलब कि एक 9 यहाँ पे और एक 9 यहाँ पे, 2 9 है तो बाहर निकलेगा एक 9। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि 9 का मल्टीपल कौन सा है। हमें पता है कि 9 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देख लो, 8 16 5 21 नहीं होगा, 9 11 नहीं होगा, 9 10 नहीं होगा, 8 9 9 ये हो जाएगा। तो हम सीधा हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी लगा के चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा हमारा। तो हम सीधा हम लोग ऑप्शन डी चेक टिक मार सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया आपका तरीका नंबर 2, ठीक है। तो हमने अभी दोनों तरीके में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, बस हम लोगों ने लास्ट डेट या डिविजिबिलिटी रूल लगा के इसको टिक मारा है। अब एक तरीका नंबर 3 है, जिससे वो क्या है जिसमें हम लोग यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। देखो ये था ना, तो इसको मैंने किया 36 × 3, तो ये बाहर आएगा 6, खत्म हो गया। एक 3 यहाँ पे है, यहाँ से एक 3 बाहर लेंगे, ये बचेगा 56। यहाँ 56, यहाँ 56, 2 56 है, 1 56 बाहर आ जाएगा। यहाँ 4 है, 2 बाहर आएगा, 2 × 8.5 17, ठीक है। हमारा एक, अब ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 × 56 × 17, इसको मैं ऐसे कर सकते हैं 18 × 56 × 17, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लगाया यूनिट डिजिट 8 से 48 8 से 56 6, तो यूनिट डिजिट लगाने से ना ये दो ऑप्शन हट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को ये दो ऑप्शन में डाउट रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट लास्ट 2 डिजिट का, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 आएगा, 6 40 46 50 08, मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लास्ट 2 डिजिट 08 आ रहा है। कैसे आया, मैंने 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 बच गया। उसके बाद अगले स्टेप में 6 को 1 से किया, 8 को 5 से किया, 50 46 आ गया, 10 4 पहले का 50 0 आ गया। तो बस लास्ट 2 डिजिट से मतलब है, तो यहाँ पे इसको 08 लिख देंगे। अब 08 × 17, अब इसका लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा, 5 8 5 13 36। मतलब कि हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, बस इसका लास्ट 2 डिजिट निकाल लिया। तो हमको पता है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें लास्ट 2 डिजिट आएगा 36। अब देखो इसमें लास्ट 2 डिजिट 36 किसमें है, बस ऑप्शन डी है, सीधा ऑप्शन ये टिक हो जाएगा। तो मतलब कि मैंने आपको इसमें 3 तरीका बताया सॉल्व करने का, और तीनों में से किसी भी तरीके में मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया है। किसी में लास्ट डिजिट लगाया, किसी में लास्ट 2 डिजिट लगाया, किसी में मल्टीप्लाई किया, किसी में डिविजिबिलिटी रूल लगाया। तो आपको हर तरीका पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या यूज़ करना है, जो आपको जहाँ सुटेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बाकी लोग क्या करेंगे कि 18 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नंबर आएगा बड़ा नंबर, फिर उसको 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो नहीं करना है। बस मेरे को लास्ट 2 डिजिट निकालना है। 8 से 6 से किया, 48 का 8 आ गया, फिर 6 और 6 × 1 + 8 × 5 46 का +4 50 का 0 आ गया। अब 08 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका लास्ट 2 डिजिट आ गया 36। तो 36 हमारे देखना है कि ऑप्शन में 36 कहाँ पे है, यहाँ पे 36 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है, आपको ये जो तरीका मैंने बताया मल्टीप्लाई करने का, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ।